बहराइच में सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा, दो गिरफ्तार, एक की तलाश जारी, आला कत्ल हुआ बरामद। बहराइच पुलिस ने सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। ये खुलासा देहात कोतवाली की पुलिस एसओजी व सर्विलांस टीम के माध्यम से किया गया है। बीती 14 जून को देर रात सोते हुए दंपत्ति की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मौके पर आईजी उपेंद्र अग्रवाल ने पहुंच के मौके का मुआयना किया था और मामले का जल्द अनावरण करने का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में पुलिस ने मामले का सफल अनावरण कर दिया है, जिसमें दो हत्यारों को पुलिस ने धर दबोचा है, तो वहीं एक फरार हत्यारे की तलाश पुलिस द्वारा जारी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक बहराइच केशव कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया, इस हत्याकांड मामले में तत्काल धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए मामले में विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए दो और विवेचना के क्रम में घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें तीन लोगों की संलिप्तता पाई गई है। घटना का कारण जमीन का विवाद था, जिसमें मृतक के द्वारा जो आरोपी हैं उनकी जमीन में चक्रोड बनाने के बाद चल रही थी और उसकी पैमाइश होनी थी और उसी चीज को रोकने के लिए आरोपी हैं उन्होंने। कितने लोग शामिल थे इस घटना में? सर, घटना में तीन आरोप अभी शामिल हैं, जिसमें से दो की गिरफ्तारी हो गई है और एक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, जल्दी ही उसको गिरफ्तार करेंगे, जिसका सफल अनावरण कर दिया गया है। उन्होंने कहा, 16 दंपत्ति की हत्या फावड़े से काट कर की गई थी, जिसका कारण एक युवक की जमीन पर चकबंदी का मामला था। पुलिस ने बताया कि वो अपने गांव के संभ्रांत व्यक्ति थे, दिल की बात पूर्व प्रधान व प्रधान दोनों मानते थे। इनके द्वारा जमीन पर चकबंदी की बात कही गई थी और इसी बात को लेकर विपक्षी इनसे रंजिश रखे हुए थे। जमीन की रंजिश में इनकी हत्या का मामला निकलकर प्रकाश में आया है। हालांकि इस मामले में तीन हत्यारे संलिप्त हैं, इसमें से दो हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं एक हत्यारा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब पुलिस टीमें गठित कर उसकी गिरफ्तारी का अथक प्रयास कर रही है। और रात्रि में रात के 1 बजे के बाद सुबह के बीच में किसी समय जो है दोनों की मृतकों की दोनों वृद्ध थे, लगभग 7-7 रुपये के दोनों ही पति पत्नी थे और दोनों की गला काट करके हत्या कर दी गई थी। और उसमें एक महिला का जो महिला थी उसका उसके हाथ का पंजा भी कटा हुआ। इस सूचना पर मुकदमा लिखा गया था शुरू में और ये अज्ञात में दर्द था और अगले भी कोई विशेष नजदीक या विशेष चीज नहीं बता रहे थे, तो दो टीमों का गठन किया गया था घटना के आरोप के लिए और बाकी और राष्ट्रीय नेतृत्व की टीम थी और पूरी तफ्तीश करते हुए तमाम सोर्सों से जानकारी प्राप्त करते हुए घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। उसमें गांव के ही तीन व्यक्ति पर जो है तीन व्यक्ति